गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारा महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नए वीडियो उनकी आपको अपडेट मिलती रहे और आप अपने जो यूनिवर्सिटीज जो एग्ज़ाम है उसकी जो प्रिपरेशन है वो अनवरत जारी रख सके। हम जो BA सेकेंड ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, ये हमारा फर्स्ट पेपर है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था इसमें हमने जो स्विट्जरलैंड का संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम जो स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार के अध्यक्ष, चाहे स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार का अध्यक्ष के दो और चाहे स्विस राज्य मंडल का राष्ट्रपति, दोनों का पद क्या है, एक ही पद है। चाहे संघीय सरकार का अध्यक्ष के दो या स्विस राज्य मंडल का राष्ट्रपति, दोनों पद क्या है, एक ही है। हमारे को पता है कि स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका वो क्या है, बहुल है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। इन बातों की हम चर्चा कर चुके हैं और वो 7 सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और स्विट्जरलैंड में स्विस जो कार्यपालिका है वो बहुल है और ये सफलतापूर्वक, हम सोचते हैं भाई कार्यपालिका एकात्मक होनी चाहिए, परंतु स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका होते हुए भी ये सफलतापूर्वक क्या कर रही है, कार्य कर रही है। कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति को प्रदान न करके एक समिति को प्रदान की गई है। इसमें एक समिति है 7 सदस्यों की, बहुल जिसे बोलते हैं, बहुल कार्यपालिका। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। ये 7 सदस्य है ये स्विट्जरलैंड में क्या करते हैं, शासन है, इसको संचालित करते हैं। और इसी में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। और ये अध्यक्ष होता है जो इस कार्यपालिका का, बहुल कार्यपालिका का, इसको इस संघीय सरकार का अध्यक्ष या स्विस राज्य मंडल का क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। समिति के अध्यक्ष अर्थात राज्यमंडल के राष्ट्रपति को किसी भी रूप में उच्च स्थिति प्राप्त नहीं है। जो इस समिति का अध्यक्ष होता है या अर्थात राज्यमंडल का जो राष्ट्रपति होता है, उसको किसी भी रूप में जो और बाकी 7 सदस्य है उनके अनुरूप इसको क्या है, वही समान शक्तियां प्राप्त है। किसी भी स्थिति में उसको क्या नहीं है, उच्च स्थिति प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब वो बहुल कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं और 7ों की क्या होती है, समान शक्तियाँ होती है। बस यही है कि वो अपने में से ही एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो यही है कि समिति के अध्यक्ष अर्थात राज्यमंडल के राष्ट्रपति को किसी भी रूप में उच्च स्थिति प्राप्त नहीं है, वो भी अपने जो बाकी सदस्य है उनके समान ही उसको शक्तियां प्राप्त है। लावेल बोल रहा है वह साधारण रूप से राष्ट्र की कार्यपालिका समिति का अध्यक्ष होता है। लावेल बोल रहा है कि वह साधारण रूप से राष्ट्र की जो कार्यपालिका है या संघीय सरकार है इसका अध्यक्ष होता है या स्विस राज्यमंडल का राष्ट्रपति होता है। और इस कारण वह ये जानने का प्रयत्न करता है कि उसके साथी क्या कर रहे हैं और वह राज्य के नाममात्र के अध्यक्ष के रूप में औपचारिक कर्तव्यों को क्या करता है, पूरा करता है। लावेल बोल रहा है कि वह साधारण रूप से राष्ट्र की कार्यपालिका समिति का अध्यक्ष होता है और इस कारण वह ये जानने का प्रयत्न करता है कि उसके साथी क्या कर रहे हैं और वह राज्य के नाममात्र के अध्यक्ष के औपचारिक कर्तव्यों को क्या करता है, पूरा करता है। अब जो स्विस का जो ये संघीय सरकार का अध्यक्ष या स्विस राज्य मंडल का जो राष्ट्रपति है, इसके अधिकार और कार्य, तो इस राष्ट्रपति के कार्य को हम दो प्रकार बता सकते हैं कि भाई स्विस जो है राष्ट्रपति, इसके कार्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कार्य होते हैं। नंबर एक में राज्य मंडल के राष्ट्रपति के रूप में, एक तो राज्य मंडल का क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति के रूप में उसके क्या कार्य है। दूसरा संघीय सरकार के सभापति के रूप में उसके क्या कार्य है। तो इसकी 1914 के संघीय प्रशासन संगठन अधिनियम में राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति स्विस राष्ट्र का प्रतीक है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य क्या, राष्ट्र का प्रतीक है ये स्विस का। और राज्य जो स्विट्जरलैंड देश है उसका क्या करता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर अपने देश का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। कौन, राष्ट्रपति। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, कोई भी विदेशी राजदूत है उनका स्वागत करता है, उनके परिचय पत्र स्वीकार करता है। वो विदेशों में स्विस राज्य मंडल का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता माना जाता है। संघीय संसद द्वारा पारित विधेयकों पर, संघीय संसद ने अगर कोई भी विधेयक पारित किया है तो उन विधेयकों पर वो क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। ये सारे काम किसके है, स्विस राज्य मंडल का जो राष्ट्रपति है उसके है। किंतु ये एक औपचारिकता मात्र है और उसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। उसको जो बहुल कार्यपालिका 7 सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को जो बाकी सदस्य है उनको जितनी शक्तियां प्राप्त होती है उतनी शक्तियां किसको है, राष्ट्रपति को है। इस बात का ध्यान रखना है, किंतु ये एक औपचारिकता मात्र है और उसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। जब अन्य राज्यों के प्रधान स्विट्जरलैंड की राजकीय यात्रा पर आते हैं तो संघीय सरकार के 7 सदस्य उनका स्वागत करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये
तो ये तो हो गया राज्यमंडल के राष्ट्रपति के रूप में है वो विदेशी जो राजदूत है उनका, और ये सारे काम करता है राष्ट्रपति के रूप में। और दूसरा है संघीय सरकार के सभापति के रूप में है, इसके क्या कार्य होते हैं। संघीय सरकार के सभापति के रूप में वे इस संस्था का सभापतित्व करता है, और अगर किसी विषय पर मत है वो बराबर आने पर यह निर्णायक मत देता है। अगर टाई रह जाए किसी भी विषय वस्तु को लेकर या किसी भी विवाद को लेकर या किसी भी जो विधेयक को लेकर अगर मत है वो टाई रह जाता है तो क्या करता है, निर्णायक मत देता है। टाई पड़ने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करता है। वह संघीय सरकार के सदस्य के रूप में एक विभाग का अध्यक्ष होता है। हमने पढ़ा है कि वहाँ पर 7 सदस्य होते हैं तो 7 ही वहाँ पर विभाग होते हैं, तो वो भी एक विभाग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। और अन्य पार्षदों की भांति वह कुछ प्रशासनिक प्राधिकारों का भी प्रयोग करता है। उसे संघीय सरकार के अन्य सदस्यों के विभागीय कार्यों के निरीक्षण का भी अधिकार है, परंतु वह केवल क्या कर सकता है, सुझाव ही दे सकता है, आदेश नहीं। वह सरकार के अन्य सदस्यों को न तो नियुक्त कर सकता है और न ही क्या कर सकता है, पदच्युत मतलब हटा सकता है। उसके द्वारा संघीय सरकार के सदस्यों के विभागों में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार में संघीय सरकार का वह, ये नहीं हम कहते उसे कि वो संघीय सरकार का स्वामी या नेता है, अत्यंत संकटकालीन स्थिति में वह सरकार की ओर से अध्यक्ष को कभी कभी कार्य करने के अधिकार दिए जाते हैं, फिर भी साधारणतया सरकार में अन्य सदस्यों से बढ़कर अध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं है। और अध्यक्ष भी कहने का मतलब यही है, अध्यक्ष भी अन्य जो सदस्य है उनके समान ही है। अब राष्ट्रपति पद की स्थिति, स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति है तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो पद है इसकी स्थिति क्या है। राष्ट्रपति पद की स्विट्जरलैंड का जो संघीय सरकार का अध्यक्ष या जो राष्ट्रमंडल का राष्ट्रपति है उसके पद की स्थिति क्या है। राज्यमंडल का राष्ट्रपति प्राय शक्ति शून्य होता है, हमने देख लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुल कार्यपालिका है, तो और जो बाकी सदस्य है उसके उनकी भांति इसकी समान शक्तियाँ हैं, तो इसलिए स्विस राज्यमंडल का राष्ट्रपति प्राय शक्ति शून्य है। और वह अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इन अन्य से कार्यपालिका प्रधान से उसकी तुलना करना है वो भ्रमपूर्ण है, तुलना नहीं कर सकते हम, क्योंकि संघीय सरकार के सभी सदस्यों को समान स्थिति प्राप्त है। इसलिए स्विस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। और क्योंकि अध्यक्ष पद के पास भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, इसलिए जो हैंस हुबर के शब्दों में राज्यमंडल का कोई अध्यक्ष नहीं है, हैंस हुबर के शब्दों में, हैंस हुबर बोलता है कि राज्यमंडल का कोई अध्यक्ष नहीं है, राज्यमंडल का कोई अध्यक्ष नहीं है। हैंस हुबर बोल रहा है कि राज्यमंडल का कोई अध्यक्ष नहीं है, राज्यमंडल का कोई अध्यक्ष नहीं, क्योंकि इसकी भी क्या है, और जो अपने सहयोगी होते हैं उनके अनुसार ही समान शक्तियाँ हैं, उसे अपने सहयोगियों की अपेक्षा कुछ वरीयता दी जाती है, लेकिन वरीयता क्या होती है, सिर्फ औपचारिक होती है। वह वास्तव में न तो राष्ट्र का प्रधान है और न ही शासन का, ये देश के प्रशासन के लिए अन्य जो पार्षद होते हैं साथ उन्हीं की भांति, उन्हीं की अपेक्षा किसी भी प्रकार का इनका उत्तरदायी नहीं है। तो इस प्रकार हम कह जा सकते हैं कि जो स्विस राष्ट्रपति का पद है सर्वथा प्रभावहीन और अनावश्यक है। राष्ट्रपति पद स्विस शासन का सर्वोच्च पद है, हाँ ये जरूर है कि राष्ट्रपति पद और स्विस शासन का सर्वोच्च पद है, और उसके द्वारा कुछ ऐसे औपचारिक कार्य किए जाते हैं जिन्हें समस्त सदस्य एक साथ नहीं कर सकते, स्विस राष्ट्रपति पद के गौरव पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की ये बातें हैं हमने, जो स्विट्जरलैंड की जो ये राष्ट्रपति है, जो बहुल कार्यपालिका है, इसमें जो अपने में से एक को ये, उसके बारे में हमने जानकारी है वो। अब देखो प्रशासन के विभाग भारत, ब्रिटेन आदि देशों में प्रशासन विभागों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ये संख्या क्या है, प्रशासन के जो विभाग है स्विट्जरलैंड में ये संख्या क्या है, निश्चित है। भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में जो प्रशासन के विभाग है उनकी संख्या निश्चित नहीं है, परंतु स्विट्जरलैंड में प्रशासन के विभाग, क्योंकि बहुल कार्यपालिका है उसमें 7 सदस्य होते हैं, तो प्रशासन के विभाग भी कितने हैं, 7 ही है।
निश्चित है और समस्त प्रशासनिक कार्यों को 7 विभागों में बांटा गया है। पहला राजनीतिक विभाग है, क्योंकि जो ये 7 बोल कार्यपालिका के सदस्य होते हैं इनमें से प्रत्येक जो सदस्य अपने एक विभाग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। दूसरा है न्याय और पुलिस विभाग, न्याय और पुलिस विभाग, पहला राजनीति विभाग, दूसरा न्याय व पुलिस विभाग, तीसरा है गृह विभाग, गृह विभाग, चौथा है वो सेना विभाग, पांचवा है वो वित्त व प्रशुल्क विभाग, वित्त व प्रशुल्क विभाग, छठा है वो है सार्वजनिक अर्थ विभाग, सार्वजनिक अर्थ विभाग, और सातवां है वो रेलवे डाक विभाग। तो इस प्रकार से अपने पड्डा के भारत और ब्रिटेन जो देश है वहाँ पर प्रशासनिक विभागों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ये संख्या निश्चित है और समस्त प्रशासनिक कार्यों को 7 विभागों में बांटा गया है। और वो पहला राजनीति विभाग, दूसरा न्याय व पुलिस विभाग, तीसरा गृह विभाग, चौथा सेना विभाग, पाँचवा है वो वित्त व प्रशुल्क विभाग, छठा सार्वजनिक अर्थ विभाग, और सातवां है वो डाक और रेल विभाग। तो प्रत्येक विभाग संघीय सरकार के एक सदस्य के अधीन होता है जो उसके कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य अपनी बैठक में बातचीत के आधार पर विभागों का बंटवारा कर लेते हैं और प्राय एक सदस्य को वही विभाग दिया जाता है जो उसके पास पहले से था, जिससे वह अपने अनुभव है उसके अनुसार काम कर सके। और प्रत्येक विभाग का प्रमुख अन्य किसी विभाग का उपप्रमुख होता है, जिससे किसी विशेष सदस्य की अवस्था या अनुपस्थिति में भी विभाग के कार्य सुचारू रूप से क्या हो सके, संचालन हो सके। तो इस प्रकार से हमने जो स्विस का जो सरकार का जो अध्यक्ष है या राज्यमंडल का राष्ट्रपति है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे की क्लास में इसी आगे अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।